सच्चाई यह है कि वो ज़मीन सिरना शर्मा का है। हमने सिरना शर्मा से बात किया और उनके कागज़ पत्र सब कुछ जांच पड़ताल किया, तो सिरना शर्मा का ही मालिकाना हक उस ज़मीन पर था। ठीक है। इसके बाद हमने अपने 6 पार्टनर मिलकर के सिरना शर्मा को ज़मीन को खरीदा। ज़मीन खरीदने के बाद हमने उस ज़मीन पर जब गया काम करने के लिए, तो वहाँ कुछ असामाजिक तत्व के लोग वहाँ आए और अनलीगल रूप से जो लेडीज थी उनसे उन लोगों ने एग्रीमेंट करा लिया। करा करके इसके बाद उस ज़मीन पर मैंने उन लोग हमारे साथ आकर के सैकड़ों की संख्या में हमारे साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस के आ गए होंगे आप तो। हमने पुलिस ने हमको मलकार सर बुलाए, हमने थाना पर गया, थाना से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। ठीक है। हमारा जैसा शरीफ व्यक्ति को बार बार परेशान किया जा रहा है, मेरा जान माल का खतरा है। जमीन है आपका, मालिकाना हक है, फिर भी आपको लोग क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या लगता है, क्या कारण होगा? क्योंकि शहर का बीचों बीच वो जमीन है, जी भू माफिया का नज़र उस पर पड़ गई और अनलीगल व्यक्ति से एग्रीमेंट करा करके आप बिना मतलब को खामो खाम को हमको परेशान किया जा रहा है। अच्छा, लोग चाह रहे हैं कि मतलब वो जमीन हड़प हो जाए। हाँ, किसी तरह उसको हम वहाँ अवैध रूप से कोई भी कार्य करके और इनको परेशान करके उस ज़मीन को हम हड़प लें। तो आप सही हैं तो भी आपको प्रशासनिक मदद नहीं मिल रही है क्या? हमको हमको कोई मदद नहीं मिल रहा है, हमको मजबूर और परेशान किया जा रहा है एक शरीफ व्यक्ति को। क्या जरूरत हो गई कि आपको सुबह सुबह एकदम 4-5 बजे काम कराना पड़ा? हाँ, वो शहर का ज़मीन है, रोड जाम हो जाता है, जी इसके चलते हमने सोचा कि लोगों को क्यों परेशानी हम दें अपने चलते, इसलिए हमने सोचा कि इसको सुबह में हम कर देते हैं 6 बजे 5 बजे करीब में। इसके बाद भी रास्ता भी साफ हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। तो मतलब आपकी जो जमीन है वो मतलब कागजी तौर पे आपकी है, सब कुछ आपका है, तो फिर निर्माण में क्यों दिक्कत हो रही है? ये ज़मीन जिससे हम लिए हैं जी उसका लोअर कोर्ट से लगाई सुप्रीम कोर्ट तक सब डिग्री है, जी उस सब चीज़ देख करके हमने लिया है। जी लेकिन हमने जब काम लगाया तो वहाँ जो अनलीगल व्यक्ति से एग्रीमेंट लोग कराए हैं, संतोष दुबे, जी हरिद्वार सिंह, सानिया, अनादर लोग जो वहाँ हैं और लोग को तो हम नहीं पहचानते हैं, इन्होंने हमको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। ज़मीन पर जा करके हमको गाली गलौज कर रहे हैं, हमें प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही है। क्या नाम आपका सर? हृदय नारायण सिंह।